शुरू किया था। ये केंद्र न केवल व्यक्तिगत समस्याएं देखता है बल्कि उनके परिवारों को भी सहायता देता है। यहाँ एक व्यक्ति और उसके परिवार को अविचारित समाधान की प्राप्ति होती है। इस वर्ष हमें एडलाइफ के लिए बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। हमारी CSR एक्टिविटी जिसमें मेंटल डिसऑर्डर अवेयरनेस का प्रचार हमने किया बहुत ही कामयाब हुई। हमने कलकत्ता के विभिन्न स्कूलों में, क्लबों में, इंडियन नेवी, कोलकाता पुलिस में यह सफल अभियान किया है। आपके ही शब्दों में, यदि अच्छी चीज है नेकी तो दरिया में क्यों फिर। मीनू जी हिंदी में बोली तो मुझे लगा कि हिंदी भाषा में ही अपनी बात कहनी चाहिए। बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। ये भी सोचा था कि औपचारिक वाक्य होता है कि आई एम प्रिविलेज टू बी हियर। हमने सोचा इसमें कोई थोड़ा सा और जोड़ना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बाय कमिंग हियर। वास्तव में इतनी जानकारी जो आज कैरिंग माइंड से जुड़े हुए लोगों ने दी ये मुझे नहीं थी। जो कुछ थोड़ा बहुत समाचार पत्रों में, मैगजीन से पढ़ते थे तो उसे लगता था कि खाली क्लिनिकल ट्रीटमेंट होता है ऐसे बच्चों का जो कुछ कह देता है जिनका विकास पूरी तरह से नहीं हुआ, मानसिक विकास नहीं हुआ। लेकिन अब यहां आकर के उसकी विभिन्न विधाओं की जानकारी हुई तो मैं मीनू जी के संजय जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपने बीच में आकर के इतनी जानकारी प्राप्त करने का अवसर दिया। समाज विभिन्न प्रकार के लोगों से बना है, उसमें सुखी भी है, दुखी भी है, कोई शारीरिक दृष्टि से हृष्ट पुष्ट है, कोई अशक्त है, उसी प्रकार कोई बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं और कुछ ऐसे लोग जिनका विकास कम हुआ। जो हृष्ट पुष्ट हैं, कुशाग्र हैं, उनकी चिंता सब करते हैं। लेकिन चाहे परिवार हो चाहे समाज हो जो थोड़ा सा अविकसित है उनकी उपेक्षा होती है। प्रायः घर में उपेक्षा होती है, समाज में भी उपेक्षा होती है। उलाहने मिलते हैं, बातों में ताना कभी मिल जाता है। इसका परिणाम भी होता है कि घर परिवार सबके मन के अंदर कभी कभी क्लेश होता है। ये क्लेश क्या है? ये प्रतिक्रिया है दूसरे लोगों की भावनाओं की, उनके द्वारा कहे हुए शब्दों की प्रतिक्रिया मन के अंदर क्लेश पैदा करती है। और प्रतिक्रिया कभी कभी रचनात्मक स्वरूप धारण कर लेती है। आज के कैरिंग माइंड्स और माइंड्स भी ये उस प्रतिक्रिया का रचनात्मक